बालोद जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश यादव ने सदस्यता अभियान में अपना संबोधन दिया। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को भाजपा से जुड़ने की अपील की है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के चलाए जा रहे सदस्यता अभियान व्यक्ति को राष्ट्र प्रथम की भावना, जनसेवा के संकल्प, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से जोड़ने का आंदोलन है। इस राष्ट्रीय कार्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदत्त सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को आत्मसात कर भाजपा के सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ सफल बनाने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर सदस्यता पर्व चल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी परिवार में 10 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है, समर्थ देश तब निर्माण होगा, सशक्त भाजपा, समर्थ भारत। ये ऐसे विशाल लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता चल रही है। हम पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री को सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत हुई, फिर प्रदेश के मुखिया को हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी ने, विष्णुदेव साय जी को सदस्य बनाया, फिर जिला में और मंडल के बाद अब मतदान केंद्रों स्तर पर अब सदस्यता अभियान जोरों पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बालोद शहर में 8,000 लोगों को सदस्य बनाएगी और पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम 50,000 से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने वाले। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है, क्षेत्र का नौजवान, क्षेत्र की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग, उद्योगपति, मजदूर, सारे लोग भाजपा से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 में बनने के बाद हम विश्व में आर्थिक रूप से 10वें नंबर थे। आज 10 साल में हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि भारत को एक नंबर, सशक्त भारत बनाना है। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का ये अभियान है। इसमें एक नंबर, टोल नंबर हमने जारी, पार्टी ने, संगठन ने जारी किया है, उस पर मैं आप सभी आम जनता से निवेदन करता हूँ, बालोद के नौजवानों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ माता बहनों से कि आप अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से 8800002024 में मिस कॉल दें। मिस कॉल देने के बाद एक OTP आएगा, उस OTP नंबर करने के बाद ऐप लिंक आएगा और लिंक में आपको अपनी सारी जानकारी, अपना नाम, पिन कोड और उसका जो सदस्यता क्रमांक आया उसको, सारे चीज़ को दर्ज करके आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। और जिन नौजवानों को, जिन माता बहनों को भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेना है, उनको कम से कम 50 लोगों को सदस्य बनाना होगा। अपने रेफरल कोड से उन सब की जानकारी को लोड करके जमा करने से, और उसमें एक फॉर्मेट है, उसमें आप 50 लोगों के नाम लिख करके जमा करेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बनेंगे। ऐसा ही व्यापक अभियान है जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाला है, और 1 सितंबर से 19 सितंबर तक, फिर 19 सितंबर से 25 सितंबर तक, और उसके बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, ये 3 चरणों में अभियान चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर सारे लोग इस अभियान में लगे हैं। 1.5 महीनों में ये संगठन का जो महापर्व है, इस सदस्यता अभियान है, इसमें सारे लोग लगे हैं। मुझको भी बालोद शहर की जिम्मेदारी मिली है, मैं प्रभारी के नाते और विधानसभा प्रत्याशी के नाते मुझे तीनों मंडल में जाना है। मेरा भी लगातार 15 अक्टूबर तक का प्रवास बना हुआ है, मैं भी क्षेत्र में लगातार सदस्यता के लिए जाने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने में उत्साह का वातावरण है। मैं सारे विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ नौजवान बड़े उत्साह से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार की योजना है, हमारे जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हों, महतारी बंधन के हितग्राही हों, या बालोद अंचल के नौजवान हों, सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्य लेकर राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नीतियों का समर्थन करने के लिए भाजपा के सदस्यता करने में होड़ लगी हुई।